कहीं ना कहीं शक है कि शक्ति राज प्रहार जी को यहाँ से शायद टिकट ना मिले, तो वो एक बहुत बड़ा विश्वासघात होगा। लोगों ने इतना प्यार आपके प्रति रखा है कि शक्ति राज जी हमारी जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज MOS फार्मर MOS और जम्मू कश्मीर UT के वाइस प्रेसिडेंट शक्ति राज जी हमारे बीच हैं। बड़े गर्म जोशी के साथ इनका स्वागत किया गया। एक लोग जमा हुए, कार्यकर्ता जमा हुए। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पे ये कास्तीगढ़ स्वराज मंडल जो है यहाँ पे वर्कर्स मीटिंग हमारी यहाँ पर थी। भारतीय जनता पार्टी ने अभियान लिया है कि हर मंडल वाइज हम पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलें, पार्टी के जितने भी आगामी कार्यक्रम हैं उन पे बात करें, चर्चा करें। लेकिन यहाँ कार्यकर्ताओं की मीटिंग के साथ साथ एक बहुत बड़ा जनसमूह यहाँ इकट्ठा हुआ एक रैली की शक्ल में, और मैं यहाँ के मंडल अध्यक्ष और सारी टीम को उसके लिए बधाई दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी स्वराज मंडल में दिन ब दिन मजबूती कर रही है और नए लोग बहुत सारे पार्टी का दामन थाम रहे हैं। आपने देखा होगा कि आज बहुत सारे लोगों ने यहाँ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। मैं उन सब लोगों को मुबारकबाद दूंगा और ये विश्वास करूंगा कि उनका पार्टी में आने से भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम देख रहे हैं कि हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें भी आज इस बैठक में, इस मीटिंग में यहाँ पर थी। और मैंने इनसे भी आग्रह किया है कि हमारा यहाँ जो महिला मोर्चा का जो काम है वो और अच्छे से हो। हमारा SC मोर्चा है, माइनॉरिटी मोर्चा है, बाकी जितने भी मोर्चे हमारे हैं उनमें भी काम अच्छे से हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ने का हम काम करें। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि लोगों को कहीं ना कहीं शक है कि शक्ति राज प्रहार जी को यहाँ से शायद टिकट ना मिले, तो वो एक बहुत बड़ा विश्वासघात होगा। लोगों ने इतना प्यार आपके प्रति रखा है कि शक्ति राज जी हमारी शक्ति है, तो इस तरह के दिल आपने जीते हैं, तो क्या वो विश्वासघात नहीं होगा? इस चीज की गारंटी आप अपने हरदेव जी हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आज तो चुनाव की कोई बात ही नहीं कि चुनाव कब होना है, क्या है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तय करना है, और किसको लड़ना है वो पार्टी को तय करना है। आज जो लक्ष्य हम ले रहे हैं कि आपने देखा होगा कि 15 अगस्त जब सेलिब्रेट किया गया था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले से ये कहा कि अगली बार भी तिरंगा मैं ही लहराऊंगा। आप अगर पूरे देश के इतिहास को देखेंगे, आजादी के बाद 60 वर्ष कांग्रेस या उनके सहयोगी दलों ने वहां पे तिरंगा लहराया, केवल 17 बार भारतीय जनता पार्टी को मौका मिला है, और हम इस मौके का गंवाना नहीं चाहेंगे। और अगर प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी बात की है कि अगली बार भी मैं तिरंगा लाल किले पे मैं लहराऊंगा, वो कार्यकर्ताओं पे विश्वास करते हुए, और हमारा ये फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि हम पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए काम करें। चुनाव जब आएगा उसकी आप चिंता मत कीजिए। चुनाव हमारा लक्ष्य है कि हम दिल्ली में सरकार, मोदी जी की सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, और जम्मू कश्मीर में जब भी चुनाव होंगे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर हो, यहाँ का सरकार भी जो है वो राष्ट्रभक्त लोगों के हाथों में हो। मैं अक्सर इस बात को कहता हूँ कि इस राज्य की सत्ता भी राष्ट्रभक्त लोगों के हाथों में होनी चाहिए, उसके लिए हमको प्रयास करना है। मैं यही कहना चाहूंगा, आपने हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया सर। जनता को कहीं ना कहीं शक है कि शक्ति राज जी प्रहार जी को यहां से टिकट नहीं होगी और विश्वासघात होगा। आप उसकी चिंता मत कीजिए, उसकी आप चिंता मत कीजिए, टाइम आने पे बता देंगे क्या होता है। अभी अभी हम जो फोकस कर रहे हैं वो पार्टी संगठन को मजबूत करने, अभी कोई चुनाव की बात नहीं, कोई चर्चा नहीं है। वो मैंडेट एक पूछी है, बिल्कुल एक बात ये कहूंगा कि मैंडेट जो होता है वो लोगों का हाथ होता है, क्योंकि पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में एक बात कहूंगा, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और कार्यकर्ता या वहां का वोटर सपोर्टर जिसको लड़ाना चाहेंगे उसी को पार्टी लड़ाती है, किसी को थोपा नहीं जाता है। आप चिंता मत कीजिए। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि स्वराज मंडल में कहीं ना कहीं दो बीजेपी पार्टीज है, ए और बी, कहीं ना कहीं कुछ रेशो में काम हो रहा है, तो आप इस चीज, बीजेपी जहां भी आप देखोगे एक है, कार्यकर्ताओं में आपसी कुछ हो सकता है, मतभेद हो सकता है, और मैं ये निवेदन करूंगा जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं
कि आपसी डिफरेंसेस, आपसी मतभेदों को भूल के पार्टी संगठन के लिए काम करें। हमारा लक्ष्य एक ही होगा कि हम कहीं जाके एक की खिलाफत करें, दूसरे की खिलाफत करें, 30 स्टालों पे या दुकानों पे बैठ के बात करें, उससे पार्टी मजबूत नहीं होती है। पार्टी संगठन अगर मजबूत होता है तो लोगों को जोड़ने से होता है, कार्यकर्ताओं को जोड़ने से होता है, नए कार्यकर्ता बनाने से होता है। डिफरेंसेस होंगे तो कार्यकर्ताओं के हो सकते हैं, पार्टी एक है और पार्टी ये सारी चीजें, पार्टी के बहुत सारे संगठन हैं, ये सारी चीजें नोट की जाती हैं कि कौन कार्यकर्ता क्या कर रहा है, कौन लीडर क्या कर रहा है, ये सारी चीजें नोट की जाती हैं। ये सारा पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, हमारा सौभाग्य है हम किस पार्टी के कार्यकर्ता है जो विश्व की सभी बड़ी सबसे बड़ी पार्टी है, और नरेंद्र मोदी जिस पार्टी का हमारा नेता हो, हमारा ये सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद शक्तिराज प्रसाद जी, आप सबका धन्यवाद।